नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि कोर्ट केस के लिए किसे अपना वकील नियुक्त किया जाए या किन बातों को ध्यान में रखकर अपने वकील को हम अपने केस के लिए अपॉइंट करें। तो किसी साथी ने पूछा है कि उसे कोर्ट केस करना है, वह किसे अपना वकील नियुक्त करे। तो इसी बात को जानने के लिए बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तीन चार बात है जो यदि हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हम एक अपने केस के लिए अच्छा वकील कर पाएंगे। अब वो बातें क्या है, एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो एक बात जरूर ध्यान में रख लें कि सभी वकील अच्छे होते हैं और कानून के जानकार होते हैं। एक लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद वकालत पेशे की डिग्री मिलती है और सभी वकील अपने पूरी लगन से और मेहनत से अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर भी हमें बहुत से वकीलों के माध्यम से एक वकील को तो अपने केस के लिए नियुक्त करना पड़ता है, तो हम किसे नियुक्त करें? तो सबसे पहले क्या होता है कि वकील अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं। जैसे कोई आपराधिक मुकदमों को देखता है, कोई सिविल मुकदमों को देखता है, कोई पारिवारिक मामलों में एक्सपर्ट होता है, या कोई रेवेन्यू से संबंधित मामलों में वह निपुणता रखता है, कोई इनकम टैक्स में काम करता है। तो अलग अलग तरह के फील्ड में वकील प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें जो भी हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र से अभिप्राय जैसा भी हमारा मामला है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा मामला कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं या किस मामले के लिए हमें वकील करना चाहते हैं। तो पहले तो जब भी आप कचहरी या कोर्ट जाएं तो यह डिसाइड कर ले कि अपना मामला क्या है और हमें अपने मामले से संबंधित वकील के पास अपने केस को पुटअप करना है, अपनी फाइल को उसे दिखाना है। ये बात ध्यान रखनी है। अब उस वकील में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उसे अपना केस दे सके? तो इसके लिए जो भी आपके केस फैक्ट हैं, केस की फाइल है या जो संबंधित दस्तावेज है, आप उस वकील को अच्छी तरह से उन दस्तावेजों को पढ़ने के लिए दे दें ताकि वह अपने केस को समझ पाए और उससे जो आपके दिमाग में जो उस केस से संबंधित पर्सन है उसके बारे में डिस्कस करे। अब इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप यह समझ पाएंगे कि कैसे वह वकील आपने केस को समझ पाता है और आपको वह समझा पाता है। आप उसके द्वारा बताए गए जवाब से या सुझाव से अगर अपने आप को संतुष्ट पाते हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आप उसे अपना वकील अपॉइंट कर ले। अब इसमें दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि कभी भी पहली बार में अपने केस को वकील के पास हैंडओवर नहीं करना चाहिए। आपको उस एडवोकेट या वकील का प्रीवियस हिस्ट्री या उसके अभ्यास या एक्सपीरियंस कह सकते हैं को देखकर उसे केस सौंपना चाहिए। अब ऐसा एक्सपीरियंस का पता आप उसके द्वारा ऐसे लड़े गए केसों से संबंधित जो पुराने क्लाइंट होते हैं उनसे बात करके पता कर सकते हैं कि वो उसके काम से कितने संतुष्ट हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप वकील चुने
और इसमें तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि जिस वकील के पास आप अपना केस सौंपने जा रहे हैं या उससे अपना केस आप कहें कि लड़वाने जा रहे हैं तो उसके साथ कोर्ट रूम में अवश्य विजिट करें। कोर्ट रूम क्या होता है कि जहाँ पे जज साहब बैठते हैं और जहाँ पे पैरवी होती है, वकील साहब जहाँ पे अपनी बात जज साहब के सामने रखते हैं उसे हम कोर्ट रूम कहते हैं। तो उस कोर्ट रूम में आप जरूर विजिट करें और देखें कि आपका वकील किस तरह से अपने मामले को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर पा रहा है, कैसी दलीलें वह दे रहा है और उसकी बातों से जुडिशियल अफसर कितना प्रभावित हो रहा है और उसकी बोलने की क्षमता कैसी है। ये सारी बातें आप कोर्ट विजिट जब करेंगे तो आप पता कर पाएंगे और यह भी एक कारण हो सकता है जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप उसे अपना वकील नियुक्त करें या नहीं करें। और एक अन्य बात जो इसमें हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है किसी वकील का कि उसे वकालत के पेशे में कितना समय काम करते हो गया, उसका काम का आउटपुट कैसा है, मतलब केसों को जीतने की उसकी क्षमता कितनी रही है, ये बात। और इसमें सबसे एक आखिरी बात यह है कि किसी भी एडवोकेट को नियुक्त करते समय सिर्फ उसके चैम्बर को देखकर, उसकी उम्र को देखकर आप उसे अपना वकील नियुक्त ना करें। जो बात बताई गई कि कोर्ट रूम विजिट करें, उसके जो क्लाइंट्स हैं उनसे सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट जरूर लें, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अपना वकील अपॉइंट करें। एक जो मैं सलाह दूंगा कि बिल्कुल नए वकील से आप अपना केस लड़वाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें या यूं कहें कि परहेज रखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि नए वकील को जानकारी नहीं होती, बहुत से मामले ये होते हैं कि नया वकील ऐसे मामलों में अपने क्लाइंट्स को केस जिता लाता है जिनकी उम्मीद अच्छे अच्छे या सीनियर वकील से भी नहीं की जा सकती। वह मेहनत भी खूब करता है, उसे इस बात की चिंता रहती है कि यदि वह इस केस को जीत पाएगा तो भविष्य में उसे और ज़्यादा इस केस के माध्यम से काम मिल सकेगा। लेकिन क्योंकि उसके पास काम का अभाव रहता है और एक्सपीरियंस की कमी रहती है तो इस मामले में थोड़ा सा ज्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि सभी वकील कानून के जानकार होते हैं, अच्छे होते हैं और विधि के जानकार होते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो हमने बातें डिस्कस की है उन बातों को ध्यान में रखकर कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपने केस के संबंधित सुटेबल एडवोकेट चुन सकता है और अपने केस में सफलता वह प्राप्त कर सकता है।